Excuse me, हाँ? आप रोज इतनी अच्छी दिखती हो कि आज मैं आ रहा हूँ इसलिए। तो तेरे घर में माँ भी नहीं है क्या? एक सेकंड ना। हेलो मम्मी, आप आओ। अच्छा मार्केट और बहन किधर है? अच्छा वो आपके साथ में है? घर पे माँ भी नहीं है। तो चले फिर। हेलो जानवी, सुनो ना, घर पे माँ बहन दोनों नहीं है तो आओ ना फिर। अरे नहीं, हम ड्रग्स वक्स नहीं लिए यार, तुम समझो, आओ ना प्लीज। ब्रेकअप? अरे नहीं, हम नीच और घटिया इंसान नहीं है, तुम कहाँ का बोल रही हो हमको। अरे अरे वो हम जोश जोश में एक तो वीडियो देख लेते, उसमें लड़कों बोलता है कि लड़कियों को कि हमारे घर पे माँ बहन नहीं है तो चली जाती है उसके साथ, इसलिए हम तुमको फोन किए थे, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या करने लगी यार। हेलो हेलो हेलो, कट गई बैच। कहाँ चाह रहे हो? कौन सा रस प्राप्त हो गया आपको उस विचित्र जगह का दर्शन करके? उसमें क्या ढूंढ रहे थे? बिजली का मीटर ढूंढ रहे थे कहा कि मीटर कहाँ है, बिल कितना आया है? खेसारी लाल यादव का वो लगाना सुन लिए थे कहा, लगवा दी राजा जी लहंगा में मीटर। बिजली का बिल निकालने आए थे, बिजली का बिल लोगे कहा उससे? अरे दारू शराब बिहार में तो बैन हो ही गया, अब क्या चाह रहे हो लहंगा भी बैन हो जाए? भोजपुरी वाले सिंगर कैसे जियेंगे, खासकर लहंगा स्टार। गजब बेइज्जती है। इसी वीडियो देखने के बाद साला खुद पे तरस आता है कि साला हमारे में और गधे में कोई फर्क ही नहीं है, वो भी केवल काम करने के लिए और हम भी केवल अब काम करने के लिए खटने के लिए ही रह गए हैं, और सब तो ये कर ही ले रही है क्योंकि इनको तो अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, ये सारी क्रियाएं खुद से ही खुद में कर ले रही है। अगर कोई नया कानून नहीं लाया गया और इन लड़कियों का ऐसे ही चलता रहा तो ये दिन भी दूर नहीं है। अब कोई क्या करेगा भाई, जब सब लड़कियां आत्मनिर्भर ही बन रही है तो मन की संतुष्टि के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लगे रहो भाई, तुम्हारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं, तुम्हारी पार्टी वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा कौन है जो उड़ता आसमान में पर बच्चे जमीन पे देता है और वो पशु या पक्षी नहीं है? पापा की परी। अरे मेरी जान, बिजली कहाँ गिरी? तोरे दादा के करेजा पे गिरी दो गाला, अपने घर में ना जाके मजाक करता। और अगर हमारे दादा जी इस दुनिया में नहीं है तो जाके स्वर्ग में बिजली गिराओगी? हाँ नहीं यार, मेरे लैकन की पहली पसंद थी, लेकिन अब जब ससुरा में आ गई है तो बुढ़वन की पहली पसंद बनी हुई है। दादी, ओ दादी देखो इसको। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। कल ये हम देखे एक बुढ़वा इनको देख के गाना गा रहा था, लिपस्टिक खराब होगा काजल नहीं। हम उससे पूछे, चाचा ऐसे काहे कह रहे हो? वो बोला, बेटा बुढ़ापे में सारी चीजें काम करना बंद कर देती है, एक ओट ही है जो लास्ट तक सहारा देता है, तो कम से कम संतुष्टि तो मिल ही जाएगी। साला बहुत डर की बुढ़ा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। 2017 में हमके देख के अपने छत पर से मुस्कुराई ललनी, ओकरे बाद भी पंचल लइकन के मोहब्बत में पगलाई ललनी। अरे इनके करैक्टर का सर्टिफिकेट तो भगवान ने प्रमाणित करिया ए मोर भाई, आई जाना था मोबाइल खाती पगलाई। ऐसा लग रहा है कि 40 साल के अंकल के साथ 16 साल की गुड़िया खड़ी है। साले शर्म नहीं आ रही है? अधेड़ उम्र के होके एक 16 साल की बच्ची को ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो? हमको कहने दो, ये हमारा काम है ना, हम कहेंगे। 2017 में यानी तू 12 साल की उम्र से ही लाइन देना चालू कर दी, तो भैया तुमको कोई दूसरा लड़का ना मिला जो 4 साल बाद भी इसी बुड्ढे पर लटकी हो? बोल, इस गलती के तुमको कितना फाइन देना चाहिए, देश डिसाइड करे। बहुत चलाक होती हैं। अभी देश में कोयले की कमी हुई है, कोयला बहुत ज्यादा महंगा भी हो गया, इसी को देखते हुए इन क्यूटी पाई ने कोयले खदान में काम करने वाले को ही पटा लिया है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, एक रिजेक्ट करिए तो 10 को प्रपोज कीजिए, कभी ना कभी तो किस्मत पलटेगी। और हाँ, फेयर लवली लगाते रहिएगा। भाव देना उसको तो भाव दे नहीं रही हो, भाव खा रही हो, और एक सुनसान जगह पे राह चलते हुए कुत्ते को छेड़ रही हो। तुम्हारा दिमाग घुटने में चला गया कि घुटना दिमाग में चला आया? अगर कुत्तिया ये वाला सीन देखेगी तो इससे ब्रेकअप करेगी कि नहीं करेगी? फिर तुम दोगी इसका साथ, कराओगी इसके खानदान का विकास? काय को छेड़ता है बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता है? एक गिलास दे दो पानी, है हमारे पास शरबत बना के पी लेंगे। नहीं, अगर इतना ही रस से भरा हुआ है तो तुम भी थोड़ा प्लास्टिक रूपी कपड़े पहना करो, नहीं तो ये रस भरी जवानी अगर कहीं टपक जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बोल रहे हैं।
नहीं हो जाता सजा पवनी प्यार कई लगे। ध्यान से देखिए इसके आंखों से कितना आंसू निकल रहे हैं। ये इतना रो रही है कि इसके आंसू से इसका पड़ोसी अपने बच्चे का पछवाड़ा साफ कर ले। अंदर ही दर्द हो रहा है, कुछ आंखों से भी आंसू निकालो पानी निकालो, नहीं निकल रहा तो कुछ थूक लगा लो। साफ हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिस भी टॉपिक पे बताइए हमको, हम बनाएंगे, और कौन बनाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।